नमस्कार, आप सभी को आपके अपने चैनल गाइड अ कंप्लीट एजुकेशनल हब पर स्वागत है। आज इस वीडियो में 15 नवंबर 2019 के सारे करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इस चैनल पर हर रोज करंट अफेयर्स अपलोड किए जाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रोज करंट अफेयर्स की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन विच डेट? विश्व रेडियोग्राफी दिवस पूरे विश्व में किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर आपका ए 8 नवंबर। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 नवंबर सिंस 2007। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट। द थीम ऑफ इंटरनेशनल रेडियोग्राफी डे 2019 इज स्पोर्ट्स इमेजिन। विच सिटी ऑर्गेनाइज द 10th मीटिंग ऑफ SCO नेशन? किस शहर ने SCO राष्ट्र की 10वीं बैठक आयोजित की? इसका आंसर आपका सी नई दिल्ली। द 10th SCO मीटिंग ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 8 नवंबर 2019। हु वॉज द द्रुपद मैस्टेरो एंड पद्मश्री अवार्ड दैट पास्ट अवे रिसेंटली? हाल ही में निधन हुए द्रुपद उस्ताद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कौन थे? इसका आंसर आपका डी रमाकांत गुंडेचा। द्रुपद मैस्टेरो एंड पद्मश्री अवार्ड रमाकांत गुंडेचा पास्ट अवे इन भोपाल ऑन नवंबर 8, 2019। ही वॉज द यंगर वन अमॉन्ग द गुंडेचा ब्रदर्स। द डेथ टूक प्लेस इन एन एम्बुलेंस। ही सफर्ड चेस्ट पेन एट हबीबगंज रेलवे स्टेशन वाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन टू पुणे। विच इंस्टीट्यूट विल कोलैब विद एम्स एंड कस्तूरा मेडिकल कॉलेज ऑन जेनेटिक्स टेस्टिंग? जेनेटिक परीक्षण पर एम्स और कस्तूरा मेडिकल कॉलेज किस संस्थान से टकराएंगे? इसका आंसर आपका सी यूनिवर्सिटी ऑफ मिचेगन। यूनिवर्सिटी ऑफ मिचेगन रिसर्चर विल कोलैबोरेट विद इंडियाज प्रीमियम हेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट एम्स एंड कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल टू एक्सपैंड जेनेटिक टेस्टिंग इन द कंट्री। This partnership would help the geneticist to identify and confirm that genetic change in the basis of developmental disorder. Who has become the second fastest Indian player to score 2000 run in ODIs? 2000 ODI run banane wali dusre sabse tez Bharat ke khiladi kaun bane? Iska answer aapka B Smriti Mandhana. Smriti Mandhana has become the second fastest Indian player to reach 2000 one day international runs. She managed to break Kohli records. Mid planning conference for Milan exercise was concluded in which city recently? हाल ही में किस शहर में मिलान अभ्यास के लिए मध्य योजना सम्मेलन संपन्न हुआ? इसका आंसर आपका सी विशाखापट्टनम। मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर मिलान एक्सरसाइज वॉज कंक्लूडेड एट विशाखापट्टनम ऑन 8 नवंबर 2019। द 3-डे कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाई 29 डेलीगेट्स फ्रॉम 17 फ्रेंडली फॉरन नेवीज। Who became the new Prime Minister of Mauritius after a victory in the election? चुनाव में जीत के बाद मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका आंसर आपका सी प्रवीण कुमार जुगनहाट। मॉरिशस रूलिंग मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट हैज वोन मोर देन हाफ ऑफ सीट इन पार्लियामेंट सिक्योरिंग इंक्यूबेट प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जुगनहाट अ 5-year टर्म। विच आर द फॉरिन स्टेट्स विल होस्ट द न्यूगेन मोबिलिटी समिट 2019? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूगेन मोबिलिटी समिट 2019 की मेजबानी करेगी? इसका आंसर आपका ए हरियाणा। आईकैट इज ऑर्गेनाइजिंग द न्यूगेन मोबिलिटी समिट फ्रॉम 27 नवंबर टू 29 नवंबर 2019 एट आईकैट सेंटर टू IMT मानेसर हरियाणा टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड रोड मैप फॉर फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल मोबिलिटी इन इंडिया एंड टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स। शिल्पोत्सव 2019 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? शिल्पोत्सव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर आपका ए नई दिल्ली। शिल्पोत्सव 2019 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट दिल्ली हाट INA न्यू दिल्ली। इट इज द एनुअल फेयर ऑफ आर्टिशियन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट बिगेन ऑन 1 नवंबर एंड विल कंटिन्यू टिल 15 नवंबर 2019। आर्मिस्टाइज डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अयोध्या दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? इसका आंसर आपका सी 11 नवंबर। आर्मिस्टाइन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 नवंबर
and is also known as L'Armistice de la Première Guerre Mondiale in France. This day is observed in commemoration of end of World War I. Some countries also call this Remembrance Day. Who is the president of Bolivia? Bolivia ke rashtrapati kaun hai? Iska answer aapka D. Evo Morales. John Evo Morales AM is a Bolivian politician and former Cocalero activist who served as the 80th president of Bolivia from 2006 to 2019. On 20th October 2019, Morales won 47.1% of the vote in the first round and on 2019 Bolivian general election. The results were immediately disputed and led to the widespread protest across the country. World Science Day of Peace and Development is observed on which date? विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आपका डी 10th नवंबर। Who won the 37th Asian Classic Marathon? 37वां एथियंस क्लासिक मैराथन किसने जीता? इसका आंसर आपका बी जॉन किपकोरिर कोमेन। जॉन किपकोकर कोमेन ऑफ केनिया हेल्ड ऑन अ नैरोली विन द 37th एशियन मैराथन ऑन नवंबर 10th। द 42 इयर्स ओल्ड रनर फिनिश्ड इन टाइम ऑफ 2 आवर 16 मिनट्स एंड 34 सेकंड beating Roman Felician Mutharia, 17 years of his junior, by 9 seconds. Greek runner-up Kostas Gelasios finished third in 2 hours 19 minutes 2 seconds. Which city has recently organized Sanskrit Bharatiya Vishwa Sammelan? Hali mein kis sahar mein Sanskrit Bharatiya Vishwa Sammelan ka ayojan kiya gaya hai? Iska answer aapka B. New Delhi. Sanskrit Bharatiya Vishwa Sammelan, a mega event for discussing ideas, theories and research finding in the Asian Sanskrit language began in New Delhi. Which country has discovered a new oil field containing 53 billion barrel of crude oil? Kis desh ne 53 billion barrel kacche tel se yukt ek naya tel kshetra ki khoj ki hai? Iska answer aapka B. Iran. Iran has discovered a new oil field containing 53 billion barrels of crude, a find that would increase Iran proven reserves by over a third. तो ये था आज के सारे current affairs. तो इसका PDF मैं WhatsApp group और Telegram group में share कर दूंगा. तो आपसे एक request है कि आप लोग Telegram group को join करके आप इस PDF को download कर सकते हैं. अगर इस video में किसी को कुछ doubt है और किसी को कुछ पूछना है, तो वो comment box में जाके comment करके पूछ सकते हैं. इस चैनल में और भी करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए गए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं. आप लोग वहां जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं. अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे और इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप वीडियो को प्लीज एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा. और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. धन्यवाद.